सो यार कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ आपके फेवरेट कार्टून एनिमेशन के बारे में, जो कि शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। सो यार वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेना। और हाँ यार, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हो, सो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। सो यार चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन, कजामा। यार यूजली आप देखते हो कि कजामा को कि यार वो बाकी सारे एपिसोड में सिंचन को इग्नोर करता है, या फिर सिंचन के साथ फाइट करता है, या फिर सिंचन से कजामा के बनते नहीं है। लेकिन यार एक टाइम पर एक मूवी आई थी जिसका नाम था सिंचन मूवी कांटा लगा। यार उसमें जो है कजामा को दिखाया गया कि वो सिंचन जब जा रहा होता है मेक्सिको, तब यार जो कजामा रहता है वो जो है इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। सो यार इससे साबित होता है कि जो कजामा है वह शिनचैन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। नंबर टू, सर इनको आप देख रहे हो यार, ये है मिस्टीरियस नूडल ईटर। ये डोरेमोन में कई बार अपीयर हो चुके हैं और भी कई सारे कार्टून्स में जो है ये दिखाई दिए हुए हैं। अगर आप निंजामा थोड़ी देखते हो सो यार आपको पता होगा कि ये जो है केनिची के जो हैं वो टीचर हैं। और यार एक शो था अल्ट्रा बी करके जो शायद आज भी आता है, उसमें ये जो मेन कैरेक्टर हैं उसके ये डैड थे। और यार ये जो है जब डोरेमोन में आते हैं सो यार ये नूडल सिखाते हैं। सो यार आप सोच रहे होगे कि ये इतने सारे एनिमेस में कैसे आ जा रहे हैं, इतने सारे एनिमेशन कार्टून्स में कैसे आ जा रहे हैं। सो यार इन सारे के जो क्रिएटर हैं वो एक ही हैं, फुजिको फुजियो, इनको शायद आप जानते ही होंगे। सो यार चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। सर बात करते हैं नंबर थ्री की। सो यार आप लोग सोचते होगे कि यार सिंचन की फैमिली सबसे ज़्यादा रिच है या फिर डोरेमोन की फैमिली सबसे ज़्यादा रिच है। सो यार आज के इस वीडियो में मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देने वाला हूँ। सो यार सिंचन के पास जो है वो अपनी कार है, ठीक है, और उसका जो घर है वो भी सिंचन के डैड ने ही बनाया है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें डोरेमोन की, सो यार डोरेमोन के पास कार नहीं है, और यार उनका जो घर है वो भी वो लोग किराए पर रहते हैं। अब यार आप लोग कहोगे कि यार तुमको कैसे पता कि ये लोग किराए पर रहते हैं। सो यार एक एपिसोड में जो है नोबिता बात करता है कि यार उसका जो परिवार है वो रेंट के घर में रहता है, यार जिसको अपना घर चाहिए होता है, ठीक है। सो यार चलिए बढ़ते हैं नंबर फोर की ओर। सो यार आप लोग भी सोचते होंगे कि डोरेमोन आखिर निकला क्यों है, जबकि वो जब टाइम मशीन से फ्यूचर में जाता है तो उसके सारे दोस्त, यहाँ तक कि उसकी सिस्टर तक येल्लो है। और यार अगर डोरेमोन बिल्ली है सो यार उसके कान नहीं है। सो यार शुरू में जब डोरेमोन बना था सर उसके जो है उसको एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण उसके कान जो है वो गायब हो चुके थे। और यार उसने जब शीशे में देखा खुद को कि यार उसके जो है कान नहीं है, इसी वजह से यार उसका कलर जो है वो येल्लो से ब्लू हो गया, उसका जो येल्लो कलर है वो उतर गया। सो यार बात कर लेते हैं अभी नंबर फाइव की। सर नंबर फाइव पे है कि अगर निंजा थोड़ी एक निंजा है सर वो जो है फ्रॉक से क्यों डरता है इतना, ठीक है। सर इसका जो करेक्ट आंसर था वो यार किसी को नहीं पता, लेकिन यार एक थ्योरी है कि जब निंजा हथौड़ी शुरू होता है सर उसके इंट्रो में, एक टाइम पर जब निंजा हथौड़ी पानी में होता है सर वो पाइप से ऑक्सीजन ले रहा होता है, उस पाइप पर जो है फ्रॉग आकर बैठ जाता है जिससे कि निंजा हथौड़ी का सांस फूलने लगता है। इसी वजह से ये एक थ्योरी है कि उसी की वजह से जो है निंजा हथौड़ी जो है वो फ्रॉग से डर। बिल यार इसका क्रेडिट जाता है एनिमी स्पिरिट्स को, ये भी जो है मेरी तरह वीडियो बनाते हैं, आप लोग चाहते हैं इनके चैनल पर विजिट कर सकते हो। सर अब बारी है फन फैक्ट्स की। नंबर वन, यार अगर डोरेमोन रोबोट है तो यार उसको चूहे से क्यों डर लगता है। यार अगर वो रोबोट है तो वो अपनी जाकर फिर से प्रोग्रामिंग करा सकता है जिसमें कि वो चूहे से ना डरे। सर ऐसा वो क्यों नहीं करता कि अपनी प्रोग्रामिंग करा, ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि यार अगर वो रोबोट है तो यार वो अपनी प्रोग्रामिंग क्यों नहीं ऐसा करा लेता। अब बात करते हैं नंबर टू फन फैक्ट की। यार अगर डोरेमोन जो वो रोबोट है सर उसको जियान जब मारता है तो यार डोरेमोन को कैसा चोट लग जाता है, उस जियान को लगना चाहिए ना, क्योंकि यार उसकी बॉडी तो पूरी स्टील की लोहे की बनी होगी डोरेमोन की। यार एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक शार्क जो है जब डोरेमोन को बाइट करने जाता है सर और शार्क के जो है वो डार्ट टूट, सो यार जब डोरेमोन का जो इतना बॉडी स्ट्रांग है सर जब जियान उसको मारता है तो यार उसको चोट कैसे लग जाती है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यार वीडियो पसंद ही हो तो लाइक कर देना, यार चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर रोज़ लाते रहेंगे। शेयर जुड़ने के लिए धन्यवाद।